हे गाइस, मेरा नाम अनिल आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नील्स लैब। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ये ऐप काम में आएगा। और दोस्तों, आज का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है क्योंकि मैं छत पे शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक फेस्टिवल के कारण बहुत ही गाना बज रहा है और घर के अंदर वो बहुत ही नॉइस क्रिएट कर रहा है, तो मैं छत पे आ गया हूँ, तो जो बैकग्राउंड नॉइस है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट इनटू इट। और आज के जो लिस्ट का पहला एप्लीकेशन है वो है एडोब स्कैन। दोस्तों, सबसे पहले ऑन कर लेते हैं एडोब स्कैन एप्लीकेशन को। देखिए, एप्लीकेशन ऑन करते ही आपको साइन इन करना होगा अपने ईमेल से या फिर इसके ज़रिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्रिएट करते ही आपको परमिशन देना होगा कैमरा की, क्योंकि ये काम करता है कैमरे के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसको एलो करता हूँ। एलो करते ही इसका कैमरा ऑन हो जाएगा, तो आपका जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। और जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तो इसका जो पिक्चर है ये ऑटोमेटिकली क्लिक कर लेगा। देखिए इस तरह से, ओके, तो इसका पिक्चर क्लिक कर लिया। मैं एक बार और दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है हर लोकेशन पे या फिर हर पोजिशन पर। उसके बाद हम जाते हैं फोटोज़ पर। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बहुत सारे टॉगल्स हैं, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रॉप करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपका पिक्चर ये ऑटोमेटिकली ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाया तो यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो कॉर्नर पर टिक बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं इसमें जो एडजस्टमेंट है इस एप्लीकेशन का, मतलब इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं पीडीएफ में। तो अब पीडीएफ में सेव करने के बाद इसको, इसका जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप कुछ शेयर कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर जो ऑल स्कैन का ऑप्शन है साइट पे, यहाँ पर जाके आप इसको बहुत सारे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई एग्जिस्टिंग फ़ोटो है आप उसको भी इसके ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं या फिर क्रॉप कर सकते हैं, और आप मैनुअली भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आज के जो लिस्ट का दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है ट्रांसलेट। तो दोस्तों, ट्रांसलेट ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपका जो फेवरेट लैंग्वेज है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑफलाइन सेव कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन सेव करते ही आप ऑफलाइन भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना फेवरेट लैंग्वेज ऑफलाइन में सेव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन में सेव हो जाएगा और ये बहुत ही कम इंटरनेट कंज्यूम करेगा। तो मैं ऑनलाइन हूँ तो आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वर्ड को ट्रांसलेट कर। तो देखिए, मैं इंग्लिश से बंगाली पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं ये ट्रांसलेट हो गया। और मैं इसका जो बंगाली मीनिंग है उसको भी कॉपी कर सकता हूँ और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव ट्रांसलेट और डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। मैं बंगाली मीनिंग को इंग्लिश में या फिर हिंदी मीनिंग को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा आप एक टोटल इंग्लिश का लाइन या फिर बंगाली का जो टोटल सेंटेंस है आप उसका भी मीनिंग निकल सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश टू बंगाली सिलेक्ट कर और आप देख सकते हैं। और आज का जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है फोटोमैथ। तो दोस्तों, फोटोमैथ को ऑन करते हैं और ऑन करते ही आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में आप इसको सेट कर लीजिए। मैं इंग्लिश डिफॉल्ट सेट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और लेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो यूज़र गाइड है आप इसको देख भी सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जिस तरह के ये काम करते हैं तो यहाँ पर यही इसको शो कर रहा है। तो इसको ऑन करते हैं और कैमरे के परमिशन देते हैं क्योंकि ये कैमरे पर काम करेगा। तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए कुछ मैथ ट्राई कर रहा हूँ अपने नोटबुक पर, तब देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो आंसर, ये सही सही आंसर दे रहा है और ऐप, ये ऐप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, देखिए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा इस मैथ को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और इसका आंसर निकल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉल्विंग स्टेप, ये कैसे सॉल्व करता है या फिर इसका रूल्स क्या है, और यहाँ पर आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। और आज का जो फोर्थ नंबर एप्लीकेशन है उसका नाम है स्किल। तो दोस्तों, ये जो स्किल्स एप्लीकेशन है ये एक गेमिंग एप्लीकेशन है। मैं इसका काम थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स मिलते हैं जो गेम्स बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, ये बड़े के लिए नहीं है, ये बच्चे के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक नंबर को ढूंढो। तो यहाँ पर कहाँ पर 1 है इसको ढूंढना होगा, उसके बाद कहाँ पर 3 है इसको ढूंढना होगा। ऐसे जब आप कंप्लीट करते जाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा टफ होते जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये ही है,
आपके बच्चे पढ़ाई से बोर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि वो फालतू गेम्स या फिर फेसबुक व्हाट्सएप ना यूज़ करें, तो आप उसको ये गेम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आपका जो बच्चे का जो ब्रेन है वो भी थोड़ा सा डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए भी गेम्स मिलते हैं जहाँ पर उसको 1, 2, 3, 4 ढूंढना पड़ता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही आप जब लेवल कंप्लीट करते रहेंगे तो ये नया नया लेवल ओपन होता जाएगा और यहाँ पर जो लॉक्स लेवल है ये भी ओपन हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को ये ऐप रिकमेंड कर सकते हैं। और आज की जो फिफ्थ एप्लीकेशन है उसका नाम है मैथ ट्रिक्स। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के जरिए आपका मैथ कितना स्ट्रांग है ये आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा अपने मैथ को टेस्ट करने के लिए और यहाँ पर आपको मैथ का ट्रेनिंग भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप ये चैलेंज ले सकते हैं, या फिर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं भी है तो आप इस ऐप के जरिए अपना मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है और आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और आपको टाइम के अंदर इसका जवाब भी देना होगा। और अगर आप कोई आंसर नहीं दे पाए तो उसका भी ये सॉल्यूशन दे देगा कि ये मैथ कैसे हुआ और इसको कैसे आप शॉर्टकट में सीख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग मोड भी मिलता है, यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि ये मैथ आप शॉर्टकट में कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा, सारे के सारे ऑप्शन। कुछ प्रो ऑप्शन है, मतलब आपको पैसे से ख़रीदना होगा ये है, और कुछ फ्री भी है। यहाँ से आप मैथ सॉल्व का बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो ये ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर बच्चे जो अपने हिसाब से मैथ को सीखना चाहते हैं, अपने हिसाब से समझना चाहते हैं, वो लोग ये ऐप को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।